प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। कहते हैं मात पिता मिल जाएंगे, लख 84 माँ और वही सतगुर सेवा और बंदगी, ये फेर मिलन की ना। परमात्मा कबीर जी ये पूर्ण परमेश्वर है, सर्वश्रेष्ठ रचनहार है। इस परमेश्वर की जानकारी हमें अभी तक नहीं थी जब तक हमने ये तत्व ज्ञान नहीं सुना था। इस कारण से हम अपनी अपनी डफली बजा रहे थे। परमेश्वर ने आकर के हमें और अपना अपनी जानकारी आप ही बताई। इस ज्ञान से पहले हम क्या कहा करते, भाई कोई कहे मारा राम बड़ा है, कोई कहे मारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है, ये तो बाटा रहे लगाई रे, कोई कहे मारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है, ये तो बाटा रहे लगाई रे, कि कोई तक है हमारा राम, रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र जी पुत्र दशरथ, ये पूर्ण परमात्मा है, ये कोई ये कहता है, और कोई कहता खुदा बड़ा है, और कोई कहते हैं ईसा मसीह बड़ा है, ये तो डिवाइड किए बैठे भगवान को। तो परमात्मा ने आकर के अपना ज्ञान आप बताया, आप आरती आप साजे, आप किंगर आप बाजे, आप ताल झांझनकारा, आप नचे आप देखण हारा, कह कबीर ऐसी आरती गाऊं, आपा मध्य आप सुनाऊं। परमात्मा ने आकर ही अपना ज्ञान स्वयं देना पड़ा, और वही परमात्मा हमारा पिता है, सभी आत्माओं का एकमात्र मालिक है। अपने का दुख अपनों को ही होता है। पुण्यात्माओं, एक तरफ तो हम ये कहते हैं भगवान दयालु है, और दूसरी तरफ यहां देखें तो कोई रहम नाम की चीज नहीं सक्षेत्र इस लोक में। इंसान खेतों में काम कर रहा है, मजदूर या किसान या कोई यात्री जा रहा है, एकदम वर्षा आती है, ओले गिरने लग जाते हैं, मट्टा मट मट्टा मट शर्म कट्टा कट की तब भाग दौड़ के कोई वृक्ष की ओट लेकर जान बचा ली तो बचगी ना, बेशक मरो, भूकंप आ जाता है, बिजली गिर जाती है, फ्लड आ जाती है, तूफान आ गया, सब मकानों को झोपड़ियों को तोड़ फोड़ कर खंडा मंडा जाता रहता है। किसी की आंखें नहीं है, किसी के एक हाथ कट गया, कोई जन्म से टूंडा, किसी की कोई दुर्गति, किसी की कोई दुर्गति। पुण्यात्माओं, अगर भगवान यहां का भगवान अगर दयालु है, ये कुत्ते गधे सुअर नहीं बनाता। क्या क्या जीवन है जीवों का, और फिर मनुष्य जीवन में कौन सुखी है, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी को स्वयं ही कोई कष्ट सता रहा है, 36 प्रकार की टेंशन इस प्राणी को बनी हुई है।
हम परमात्मा को दयालु कहें या दया नाम की चीज नहीं, वो दयालु परमात्मा सतपुरुष है, सतलोक में रहता है। और जब हम उसके क्षेत्र में, उसके लोक में चले जाएंगे, फिर वहां हमें कोई कष्ट नहीं। उस दयालु परमात्मा का वहां रोल देखने को मिलेगा। वो दयालु यहां भी आता है, उस अपार दया के कारण हमें ये ज्ञान समझाता है। वो क्या बताते हैं परमेश्वर आकर के झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रया मन मोदे, ये सकल चबी ना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। परमात्मा हमें आकर बताते हैं कि ये सब काल आहार है, जिस लोक में तुम रह रहे हो ये लोक ठीक नहीं। तुम इस सुख, यहां के सुख को सुख मान बैठे हो, ये आप जी की बहुत बड़ी भूल है। क्या बताते हैं परमात्मा, झूठे इस सुख को तुम सुख मान बैठे हो। कौन से सुख को? थोड़ी सी संपत्ति हो जा इस नकली लोक की, और एक बेटा एक बेटी, एक कार हो जाए कोठी, फिर कति भगवान की जरूरत नहीं। हम इतना सोच बैठते हैं। और कार कोठी होगी तो रोजगार भी उसका अच्छा होगा। परमात्मा कहते हैं, फिर वो व्यक्ति परमात्मा से दूर हो जाता। माया का सबसे बड़ा अवगुण ये है कि वो भगवान से दूर करती है। ये जो नकली सुख हमें मिलता है, इसके विषय में परमात्मा कहते हैं, क्योंकि वो प्रत्येक युग में एक ऐसा जीवन जीते हैं जैसे एक दास भक्त होता है, और वो रहते इसलिए हैं, एक जीवन ऐसा पूरा जीवन ऐसा व्यतीत करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि आने वाले समय में मेरी पुण्यात्मा मेरा अनुसरण करके अपना रोजी रोटी जैसा ही जितना ही कमावे, बाकी समय भगवान के भजन और उसकी जो है ना सेवा में लगावे। हम अधिक समय अपने पेट के लिए लगाते हैं, परमात्मा के लिए हमारे पास समय नहीं। उसके लिए भगवान परमेश्वर आपा का बताते हैं कि इसे सुख के पत्थर पड़ो, इसे सुख के आग लगो, जिस तरह ना मर्दे ते जावे, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा कहते हैं, तुम ये मांगना है प्रभु, इतना सुख ना देना, इतना धन ना देना जिससे आपकी भूल पड़ जावे। आग लगे से सुख का जिससे जो भगवान न बुलावे, और बलिहारी उस दुख के इतना कष्ट भी दे के रखना मेरे प्रभु, ताकि तेरी याद बनी रहे, भूल ना बढ़े। तो यहां पुण्यात्मा और परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जो भगवान से दूर है, माया की जिसका चर्बी चढ़ गई, उसका मोतिया बंद हो गया, उसने भगवान दिखाई नहीं देता, एक माया माया दिखाई देती है। उसके लिए परमात्मा कहते हैं, राम नाम कड़ुआ लगे, मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। पुण्यात्मा, वैसे तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, कुछ एक उदाहरण ऐसे हैं जो हृदय में घर कर जाते हैं, और उनको याद करने से, उनके ऊपर विवेचन करने से हम परमात्मा की तरफ अधिक दृढ़ बनते हैं। एक मेरे पूज्य गुरुदेव जी का आश्रम है पंजाब प्रांत, जिला फिरोजपुर,
और स्थान का धाम का नाम है तलवंडी भाई, तलवंडी भाई की, ऐसा एक कस्बा है छोटा सा, बरवाले जितना ही है लगभग। तो वहाँ मेरे पूज्य गुरुदेव जी अधिक रहा करते थे, वहाँ एक आश्रम बना है उनका छोटा सा। उनके सतलोक गमन के बाद इस दास ने वहाँ सत्संग करना शुरू किया सेकंड संडे को, वहाँ सत्संग करके आते थे। तो वहाँ जब सत्संग करने हम गए, वहाँ क्या हुआ कि एक कोई वृद्ध व्यक्ति, कोई बुढ़िया की मृत्यु हो गई थी, किसके, हमारे गुरुदेव जी के शिष्यों के, और उनके कोई रिश्तेदार आया था शोक व्यक्त करने के लिए। शुक्र को आया था, शनिवार को वो 4 बजे से जाने लगा, शाम को चंडीगढ़ जाना था, सह परिवार था। तो उन भक्तों ने कहा कि आप आज रुको रात को, सुबह सत्संग होगा। गर्मियों से के दिन थे, उन्होंने कहा कि 9 बजे सत्संग शुरू हो जाएगा, 11 बजे तक समाप्त हो जाएगा, और संडे है, कल छुट्टी भी है, आप सत्संग सुन के जाइयो, देखना सत्संग एक न्यारी किस्म का सत्संग आपको सुनने को मिलेगा। तो वो कहने लगे मैं आज जरूरी जाऊंगा, क्योंकि कल एक पार्टी ने आना है जिससे मेरा एक अनुबंध होगा, एक एग्रीमेंट करना मैंने उनसे मेरे व्यवसाय का, उसमें मुझे 5 लाख रुपए का बेनिफिट होगा। तो मैंने उनके रुकने की व्यवस्था करनी है, उनकी जलपान की व्यवस्था करवा दी। तो उन भक्तों ने कहा कि आप रुक जाओ, कल किस टाइम आएंगे, एक डेढ़ बजे आएंगे संडे को, 1:30-2 बजे। तो 11 बजे सत्संग शुरू खत्म होगा, आप चलोगे, जो भी 3 घंटे का रास्ता है यहाँ से चंडीगढ़ का, 1-2 बजे पहुँच जाओगे, और 10 मिनट लेट हो जाएं, क्या बात है। तो कहने लगे नहीं, आपको नहीं मालूम, आपको नहीं पता मेरे व्यवसाय का, मैं नहीं रुक सकता, मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा। अब ना मानने चले गए अंबाला के पास, एक बजरी का भरा हुआ ट्रक, लोडेड ट्रक, और खड़ा था, उसके उसके पिछले दोनों चारों टायर निकाल रखे थे पिछले, और जैक लगा रखा था भरे बजरी के, और पूरा परिवार 4 सदस्य थे घर के, लाला जी के, मारुति कार थी। अब वो तो नोट गिना था, 5 लाख आज से 10 साल पहले की बात है, 1997 की बात से, बल्कि 13 साल हो गए, उसमें 5 लाख तक वो गणे हुए थे, 20 लाख बराबर थे। तो वहाँ उस ट्रक के पीछे से और उसकी मारुति जा भिड़ी, उसके अंदर टक्कर मारी, वो जय कट गया। पहले तो मारुति की टक्कर लगते ही खत्म हो लिया होंगे, वह रही खही कसर, वो जैक हट गया एक तरफ, पूरा लोडी ट्रक उनके ऊपर पड़ गया, और चारों के चारों मृत्यु को प्राप्त हो गए। जब हम वह सत्संग करने गए, तब उनको पता जब लग लिया कि हम टेलीफोन दो रहे थे, कहा जी ऐसी दुर्घटना होगी, हम बहुत मना किया उनको, तुम आजाद रुक जाओ, और यह कड़ाई टल जाती उनकी। अब परमात्मा कहते हैं अब सिर पर ले, उन 5 लाख के एग्रीमेंट ने सिर पर धर कर ना चले, ना वो शरीर रहा, ना वह कोठी रही, और ना परिवार रहा। पुण्यात्माओं, सौभाग्य तुम्हारा, ये बातें आपको सुनने को मिल रही है। अगर परमात्मा हमारे साथ ना हो, कबीर जी की आपके ऊपर कृपा ना हो, ये बातें कानों पर घटालते हम, क्योंकि परमात्मा आपके साथ रह करके आपको, इस आप आत्मा को मालिक में लगाता है। और यदि आप सतगुरु से ना जुड़े होते,
तो ये बातें सौ सौ बार सुने और काना पे कटाले, उससे आग में साथ जले। अब कलेजा हिल जाता है पुण्यात्मा का, क्योंकि मन को साइड कर देता है भगवान, और मन हमें यहां रोके रखने का पूरा एजेंट है। ये एक बार तो आत्मा दुख पाती है, फिर भलो देता है इसको, होते चलता रहता, चलो चलो ऐसे करेंगे। तो यहां परमेश्वर बताते हैं, राम नाम कड़वा लगे मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। तो पुण्यात्मा इन बातों को परमेश्वर ही आकर हमें बताता है कि तुम जिस वस्तु को अपना मान बैठे ये तेरा नहीं है, जिसको तू अपना कहे ये तेरा नहीं, गंवार उल्ट अपूठी बह हैगी तेरी अपनी ये तलवार। यानी जो माया जोड़ के तने कार कोठी बना ली, ये तेरे दुश्मन बनेंगे एक दिन। अब वह माया दुश्मन बन गई, वह कार ले डूबी सारे ने, कहीं मकान के मकान भूकंप में गिर जाते हैं, कोई और कारण से, यानी इस जीव की दुरुक्ति काल करता रहता है। परमेश्वर आकर ही हमें ज्ञान कराते हैं कि जो साधनाएं तुम कर रहे हो ये भी ठीक को न्या। पुण्यात्माओं, जो ज्ञान आपको दिया जाता है इसको हृदय की किसी विशेष इंपॉर्टेंट कोठड़ी में नोट कर लिया करो। जो अन्य साधना भी हम करते हैं वो भी हमें लाभ नहीं देती। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, ना कोई गति होती है, ना कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस। रोहतक शहर में एक फाइनेंसर था और उससे हमारे एक भक्त ने कोई गाड़ी फाइनेंस कराई थी, प्राइवेट फाइनेंसर था वो, मिगलानी सब कास्ट थी, गोत्र था उसका, मिगलानी परिवार था उसका। एक लड़का तो फाइनेंसर, बढ़िया काम चला रखा फाइनेंसर, बिन ब्याज पे पीछे दे हुए और ठोक के ब्याज ले हुए, और दूसरा पुत्र जज सेलेक्ट हो गया और पुत्र की पुत्रवधु भी जज लागरी। अब उससे जिक्र चलता, हमारे भक्त बताते कि ऐसे ऐसे भक्ति ऐसी करनी चाहिए, ऐसी करनी चाहिए। बोला हम जो भक्ति करते हैं वो सही है, और हमारी भक्ति जो साधना, जैसे भी भगवान शिव की, श्री रामचंद्र जी की, ये तो साधनी उपासना है, और फिर पंडित लोग जो हवन यज्ञ आदि करवाते हैं वो भी वो करते थे। तो हमारे भक्त तो जाकर बताया करते थे, भक्तों को तो मालूम था कि ये पिछले जन्म के पुण्य हैं, और जब ये पिछले जन्म की बैटरी चार्ज की हुई जिस दिन डिस्चार्ज हो जाएगी, एकदम कैर टूट जाता है। ये ज्ञान परमात्मा का वो सुन चुके थे। तो वो कहा करते थे कि लाला जी ये तेरे पिछले जन्म के संस्कार हैं, और जो पूजाएं जो साधना आप करते हो इनसे लाभ होगा नहीं। नोवेला क्या बात करते हो, वो उस अपने बेटे फाइनेंसर की दुकान पर बैठा करता ऑफिस में, और फिर बताता था मेरा एक लड़का तो जज लगा है, और मेरी पुत्र वो दूस की पत्नी भी जज लगी है, अभी शादी हुई है 6 महीने पहले। अरे वाह, कैसे मानो तुम्हारी बात, तुम क्या बात करते हो, आज मेरे जैसा सुखी पृथ्वी पर नहीं। ठीक है, जैसे सभी इतना हुए पाचा, तो फिर बात यह कहनी स्वाभाविक ही थी, दोष नहीं उसका। फिर कुछ एक वर्ष, मेरे ख्याल 6-1 महीना पीछे क्या हुआ कि उसने एक अपना धार्मिक अनुष्ठान करवाया, एक अपना गुरुजी बुला के, उसने जो भी क्रिया करी, हवन किया, उसके समापन के उपरांत उस हवन की जो बची हुई राख होती है और भी कोई आइटम लटोटर थे हुए, सभी को
जल प्रवाह करने के लिए कहा गया कि इनको उस गुरुजी ने कहा जल प्रवाह करके आने ही है। वो लड़का फाइनेंसर और छोटा लड़का जज दोनों गाड़ी में बैठकर ड्राइवर साथ ले लिया और रोहतक के साइड में इधर दिल्ली साइड में जवाहरलाल नेहरू कैनाल है उसमें वो अच्छी लंबी चौड़ी गहरी है उसमें जाकर वो जल प्रवाह करने लग गए। पॉलीथीन में डाल रखी थी वह सामग्री जी और वह पॉलीथीन खोल दी वह कुछ सारी पानी में ना पड़ी आधे से ज्यादा वह पटड़ी ऐसे स्लोप था उसका उस नहर का वह द्वार पर पड़ गई। पहले एक जना नीचे उतरा के लिए मैं इसको नीचे बहा देता हूँ और रिपटन लग गया पैर थलस गए उस दूसरे ने पकड़ लिया दोनों रिपट गए जल की भरी हुई थी दोनों डूब गए। तीन दिन में लाश पाई वो जज भी मर गया और वो फाइनेंसर भी मर गया। अब परमात्मा कहते हैं तुम कौन राम का जपते जापम और तात कटे न ये तीनों तापम। अपुण्य आत्माओं आत्मा दैल जाती है बेटा गया दोनों बेटे मर गए नई नई शादी हुई थी वह पुत्र वधू जज भी गई वह वहाँ के रह थी फिर उसने दूसरी शादी करा ली अब के रह गया उस भाई जी दो रहे। तो पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं ये धोखा दे रखा तुम्हारे को काल ने दृष्टि पड़े सो धोखा रे खंड पेंड ब्रह्मांड जावेंगे नष्ट होंगे और ये थिर ना रह सी लोक करे। आज सुबह के सत्संग आपने सुना कि गुरु हो पूरा गुरु हो शास्त्र अनुकूल साधना हो और शिष्य भी पूरी मर्यादा आजीवन निभावे है और गुरुजी के प्रति प्रभु तुल्य भाव रखे फिर आपका मोक्ष निश्चित है नो डाउट। लेकिन हम कुछ दिनों के बाद सुखी हो जाते हैं जिस सुख को हम सुख मानते हैं क्योंकि ये दयालु भगवान है कबीर परमेश्वर दयालु परमात्मा है ये अपने बच्चों के दुख को नहीं देख सकते। कुछ दिनों में आपको बहुत राहत देना शुरू कर देंगे आपके पापों का नाश करना शुरू कर देंगे आपके प्रारब्ध रूपी कर्म पाप कर्म के कांटों को निकालना शुरू कर देंगे। कुछ दिनों में आपको कोई आपत्ति नहीं रहेगी अपने जीवन रूपी सफर में और फिर इस काल का दाव फिर लगेगा फिर भूल जाता है भगवान को और उसी तरह टेढ़ा मेढ़ा शुरू हो जाता चलना। तो परमात्मा कहते हैं कि इतना सुख भी ना देना मेरे प्रभु आप ही प्रार्थना करते हमें समझाने के लिए कि इतना सुख मत मांगना मेरे से कि भगवान भूल जाओ। क्यों प्रथम तो हमने परमात्मा के चरणों में आने के बाद अपना दुख अवश्य रोना होता है कि मुझे ये पीड़ा है लेकिन अन्य डिमांड नहीं करनी चाहिए। जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं उसके पास अंडर ट्रीटमेंट होते हैं तो डॉक्टर को हम अपना दुख तो हम बता सकते हैं कि जी यहाँ पीड़ा है ऐसा दर्द है ये तकलीफ है फिर वो उसको कैसे सेट करता है कैसे हमें स्वस्थ करता है ये वो काम डॉक्टर का है। फिर डॉक्टर के ट्रीटमेंट में बाधक नहीं बने उसके द्वारा बताए गए परहेज को शुरुआत नहीं करे तोड़े नहीं तो फिर वो स्वस्थ हो जाता है। इसी प्रकार ये परमात्मा परमेश्वर कबीर जी का एक हॉस्पिटल है ये दास उसका नौकर है इस जन्म मरण के रोग को काटने वाला एक डॉक्टर है दवाई परमात्मा ने बता रखी है औषधि मेरे को दे रखी है ट्रीटमेंट विधि बता रखी है। तो यहां जो भी आपके साथ हो रहा है घर पे या यहां पर
आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं हो गया। इसके दो कारण हो सकते हैं। यदि आपको कष्ट रहा है तो गॉड गिवन है, इतना कष्ट चाहिए हमारे को ताकि भगवान की भूल ना पड़े। और कष्ट आपको अधिक बढ़ गया है तो आपका नाम खंड हो गया है, आपने डॉक्टर की मर्यादा निभाई नहीं है, जिस कारण से आपको पीड़ा बढ़ी है। वैसे नहीं बढ़ सकती, औषधि ठीक से युद्ध नहीं की या कोई परहेज तोड़ दिया। तो इसी प्रकार या तो आपने कोई नियम भंग कर दिए तब आपको पीड़ा बढ़ सकती है, अन्यथा पीड़ा है और नाम आपके ठीक है तो गॉड गिवन है, परमात्मा का दिया हुआ है, उसमें अग्रम अग्रम ना करना। क्योंकि कहते हैं सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, और जय माथे में जय भाग्य में सूली हो, सूली माने मौत, वह कट्टे में टल जा। ऐसे ऐसे भारी कष्ट होना हो, जान जानी हो, पूरा परिवार नष्ट होना हो, एक्सीडेंट हो जाता है, एक टांग कटकर बच जाते हो, वो टांग काटना यानी वो अंग भंग करना डॉक्टर के लिए परमात्मा के लिए आवश्यक था, अन्यथा पूरा परिवार भी नष्ट हो सकता था। हमने युगों युगों के पाप इकट्ठे कर रखे हैं, तो परमात्मा अपने हिसाब से हमें जो है ट्रीटमेंट करेगा, हमारी हर तरह की सुविधाएं प्राप्त कराएगा, हमारे प्रारब्ध के कर्मों को काटेगा, निकालेगा, खत्म करेगा। जैसे डॉक्टर बताता है कि तेरा ये हाथ कटेगा अन्यथा पूरा शरीर नष्ट हो जाएगा, तो फिर डॉक्टर को ये कहना पड़ता है जी जान बचा दो, हाथ बेस से कट जावे। तो डॉक्टर का शौक नहीं, डॉक्टर कोई दुश्मन नहीं, शत्रु नहीं, उसने आवश्यक है जीवन की रक्षा करने के लिए एक हाथ को काटना। तो उसमें हम फिर कर क्या सकते हैं, सहमति ही देनी चाहिए। तो परमात्मा जो करते हैं आपके साथ उसमें आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। हाँ, इतना ध्यान अवश्य रखें कि नाम ना खंड हो गया हो। नाम खंड होने से क्या होता है कि जैसे पहले तो जैसे जिसने बिजली का कनेक्शन ना ले रखा तो वो क्या करता है, आटा भी हाथ से पीसे, पशुओं के लिए चारा भी हाथ से काटते थे ऐसे मशीन व गोल गोल चक्कर की, और जल भी हाथ से निकालते थे, दूध भी हाथ से बिलोते थे, रड़कते थे। फिर ले लिया कनेक्शन, अब बटन स्विच ऑन कर देते हैं, अपने आप तो आटा पीसा जा रहा है और अपने आप कट 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 सानी यानी चारा काटा जा रहा है, बटन दाब दिया अपने आप मोटर सुर सुर करके नलका पानी का जो है ना बाल्टी भर देती है, और आपकी नालायकी तें गलती तें बिजली बोर्ड का बिल ना भरने से आपका कनेक्शन कट जाएगा, या किसी अन्य कारण से आपका कनेक्शन कट गया तो फिर आपको पावर नहीं आवेगी, पहले जो पावर से काम हो रहा था वो बंद हो गया। फिर आप हाथ से कितना कर सकते हो ये अंडरस्टूड है। तो ऐसे परमेश्वर कबीर जी की शरण में आने से आपका सब कार्य ईश्वरीय शक्ति से होगा, कबीर परमेश्वर जी की पावर से होगा, और फिर परमात्मा की पावर से जो काम होगा वो बहुत ही स्पीड तो होगा, और जो मनुष्य नहीं कर सकता, मानव मैनुअली नहीं किया जा सकता, वो पावर किया करती है। तो ऐसी ऐसी अनहोनी आपके घर पर होंगी आप सोच भी नहीं सकते, ऐसा सुख मालिक आपको देगा, सोचते रह जाओगे हे भगवान मेरी तो जान जानी थी, और दवाई खा के छक लिया, कोई गोली काम नहीं करी थी कोई किसी प्रकार की, और फिर एकदम वैसे ही आपको ठीक कर देता परमात्मा। तो पुण्यात्माओं कहते हैं ना जाने के उस सतगुरु के शरण में आने से अगर फिर भी कोई आपत्ति आती है तो ना जाने के बला टाली है भगवान ने, एक तो ये है, और दूसरा ये है कि आपने
या कोई मर्यादा भंग करती है, इन दोनों में से एक ही होगा। तो इसलिए कोशिश रखें कि नाम भंग ना हो। मर्यादा भंग होने से बहुत हानि हो जाती है, काल का दाव लग जाता है। परमात्मा कहते हैं, जब लग हंसा हमारी आना और काल लगे नी तेरा बाणा। आय हाय, कितनी प्यारी बात कही है। कबीर परमेश्वर कहते हैं, उस काल को कहा था जो यहाँ का मालिक है, ब्रह्म है, जो हमें यहाँ दुखी कर रहा है, पीड़ रहा है, गुमराह करके फंसा रखा है, उसको कहा था कि जब तक हंस मेरी आत्मा मेरी मर्यादा में रहेगी, रहेंगे, मेरा नाम खंड नहीं होगा, तब तक तो तेरा कोई तीर मेरे भक्त पर नहीं लग सकता, तो उसको किसी प्रकार दुखी नहीं कर सकता। तो काल ने कहा था, प्रभु जो नाम खंड कर देगा विलिंगली, तो उसको तो हम मैं नहीं छोड़ूंगा। तो परमात्मा ने कहा था, जब लग हंसा हमारी आना और काल लगे नी तेरा बाना। कहे कबीर सुनो धर्मराया, हम संखो हंसा पद परसाया। पद जैसे सुबह के सत्संग बताया था, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत, 1 से 4 का सारांश है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का सारांश है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए, तत्वदर्शी संत की पहचान क्या होगी? पहले श्लोक में ऊपर को जड़वाला नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। जो संत इसको सभी भागों सहित जानता है वह सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। फिर तीसरे और चौथे श्लोक में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत इस उलझी हुई नौमण सूत की गुत्थी को काट कर, किसते उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट कर, अर्थात तत्व ज्ञान से समझ कर, उस तत्व ज्ञान से परिचित होने के पश्चात, उसके पश्चात उस परम, उस परमात्मा के, परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद ये प्राणी फिर कभी लौट कर संसार में नहीं आता। उस पद की प्राप्ति करनी चाहिए, उस अमर पद की। परमेश्वर की वाणी में है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिट, पद मिल पदे समाना। पद माने पद्धति, यहां पद मिल पदे समाना, पद माने पद्धति, पद्धति माने वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि, अकॉर्डिंग टू द शास्त्र, शास्त्रानुकूल साधना पद्धति। और वो सही पद्धति पूर्ण संत से मिलने के बाद पद मिल पदे समाना, उस अमर पद की प्राप्ति करोगे। अमर पद, पद माने पदवी, उस अमर पदवी यानी कभी ना मरने वाले हंस की पदवी सतलोक में तुम प्राप्त करोगे। फिर कहते हैं उसके पश्चात उस परमेश्वर के उस पद की, अमर पद की प्राप्ति करनी चाहिए, खोज करनी चाहिए उसकी, उस किस प्रकार वो मिला है अमर पद यानी पूर्ण मोक्ष। तो यहां परमात्मा कहते हैं, कह कबीर सुनो धर्मराया, हम संखों हंसा पद परसाया। संखों हंसों को हमने वो परम पद मिला दिया। जिन लीना हमारा परवाना, सो हंसा हम किए अमन। जिस प्यारी आत्मा ने हमारे से ये नाम ले लिया, परवाना, ये लाइसेंस ले लिया, यानी ये एक आइडेंटिटी कार्ड ले लिया, उसके निकट फिर कोई नहीं आता। ये VIP कार्ड समझ लो, परमेश्वर का सच्चा नाम जिसको प्राप्त हो जाता है विधिवत। जिन लीना हमरा परवाना, सो हंसा हम किए अमन। कहे कबीर सुनो धर्मराया, हम संखा हंसा पद परसाया।
जब लगन सा हमारी आना काल लगे ना तेरा बाना, तो मर्यादा बहुत जरूरी है। अपने आत्मा जब तक आप सुखी हो तो आपको ऐसे लगता है कि जैसे ये नियम बताए हैं भाई, ब्याह शादी में नाचा कूदी नहीं करनी, दहेज वगैरह नहीं देना, ये मेहंदी वगैरह, ये लाल ओठ करना लड़कियां बेटियां करती हैं, ये बकवाद नहीं करनी। देखो पुणात्माओं, हम बुराई को शीघ्र ग्रहण करते हैं, अच्छाई को तुरंत त्याग देते हैं। हमने इतना जीवन हो गया, हमारी दादी माँ काकी ताई और हमारी पत्नियां और हमारे भाई बहनों की पत्नियां, हमने कभी भी ये लटोटर करती नहीं देखी। जो ही बेगन तारते हैं प्रण के फंड करे, फिर नाचे कूदे सरेआम, माँ भी नाचे, बेटी नाचे, बाप नाचे, भाई नाचे गाल में, ये तो वह कराया करते कंजर, वह सबसे घटिया इंसान कराया करते बकवाद, जो निंदा के पात्र हुआ करते थे, अब सरेआम बकवाद होगी। तो इनको हम तुरंत ग्रहण कर लेते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं करना। और दहेज हमने अपना दुश्मन बना लिया, अपनी बेटी को दुश्मन बना लिया, बेटी के शत्रु बन गए हम, इन समाज। क्यों? क्योंकि बेटी के ब्याने में दहेज गणा लेन देन लाएंगे, तो वो उस जिसका दो तीन लड़कियां होगी उसकी मौत हो जाती है जीवित, नींद आनी बंद हो जाती है, और या तो कर्जा कर लेगा ब्याह करो करेगा बेटियों का। जो तो हमने इसको बिल्कुल अपना एक नो समझ लो, यदि हम किसी से धन लेते हैं उनकी बेटी का दहेज के रूप में, तो हम कर्जवान बन रहे हैं। परमात्मा की इन बातों को आप एक ऐसे वैसे ना समझना, एक बहुत जबरदस्त इतिहास और विधान है प्रभु का, उसके अनुसार हम चलेंगे तो तुरंत सुख होगा। तो हमने बिल्कुल दहेज ना लेना चाहिए ना देना चाहिए, बच्चे को इंडिपेंडेंट बनावे परमात्मा, क्या आश्रित करे। आप कितना दे सकते हो अपनी बेटी को, और जब बटेऊ काम नहीं करेगा, पति काम नहीं करेगा बेटी का, तो कभी पूरा नहीं पटे, यानी काम करें पार पड़ेगी। भगवान जब साथ होगा, उनके भाग्य में ना होगा तो भी देगा अपने बच्चों को जितना आवश्यक होगा। तो हमने परमात्मा पे विश्वास करना सीखना होगा। तो इस तरह की जो मर्यादाएं हम बताते हैं, बीड़ी शराब मास्तमा खूब पीणी ना पैनी, किसी को पिलानी भी नहीं है, पैसे भी नहीं देने चाहिए, दोषी बनता है उसका। क्योंकि शराब मांस तम्बाकू यानी चरस यानी कोई भी नशीली वस्तु जो मानव जीवन का आहार नहीं है, उसके लिए सहयोग देना भी परमात्मा के मार्ग में पाप है। जैसे कोई किसी का चोरी करने जाता है और कोई उसको साथ जाता है, या कोई टॉर्च दे देता है, उसने मांग ली टॉर्च दिए और वो चोरी करता है, तो दोनों पकड़े जाते हैं, दोनों को दोष लगता है, सजा होती है कि उसने सहयोग दिया। तो इस प्रकार हमने न तो किसी को बीड़ी शराब मांस तम्बाकू बरका उक्का बीड़ी का बंडल उठा के भी नहीं पकड़ाना है, अगले उसके बीड़ी लगाने के लिए माचिस भी नहीं देनी आप, ये बहुत बड़ा दुर्गुण है समाज में, जो है बहुत बड़ा अवगुण लग गया, ये इसको हटाना है, हमारी भक्ति में बहुत बाधक है। फिर ना हमने कोई और पूजाएं करनी है, अन्य पूजाएं करते करते हमारी दुर्गति हो रही, अन्य पूजा करने वालों की अभी आपको इतिहास बताया, उजड़ गए कति बसे बसाए। तो पुण्यात्मा उन साधनाओं ने के फूका जिसमें कोई आड्डा को नहीं, जिसका कोई सहारा नहीं, कोई ऐसी दुर्घटना बच नहीं सकती, तो इसलिए मना करते हैं कि उन भगवानों की पूजाओं से आपको केवल वर्क डन मिलेगा, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। उस जैसे बुरा किया तो बुरा भी मिलेगा, अच्छा किया है तो अच्छा भी मिलेगा। यहां परमात्मा कहते हैं तुम्हें अच्छा तो मिलेगा, लेकिन जो बुरा तुमने कर लिया आज्ञा नहीं करोगे, जिस दिन उपदेश ले लिया उसके बाद तुम्हें उस पाप का दंड भोगना नहीं पड़ेगा, अगर मर्यादा होगी। अब क्या होता है, जो सुखी मानते हैं अपने आप को,
दीक्षा भी ले ली, फिर भी लोक लाज में कोई ना कोई गलती कर देते हैं, और वो गलती कर देते हैं, गलती करने के बाद नाम टूट गया, फिर भी हानि को नहीं हो रही, उनको लाभ ही हो रहा है, क्योंकि उसके पिछले पुण्य चल रहे हैं कोई पिछले जन्म के। अब वो ये सोचता है कि मैंने नाम नोम भी तोड़ रखा है, बीड़ी भी पी ली, ओक्का भी पीता हूं, शराब की गुट्टी भी ला लेता हूं, और मैं मेरा कोई हानि नहीं हो रही, इसी हानि होगी याद रखेगा। लेकिन अभी वो समय आया ना आसानी उनका। क्या होता है, जैसे ऐसा संयोग सज जाता है, जैसे किसी पुण्य आत्मा दुखी आत्मा थी, नाम ले गया, वो मर्यादा बहुत निभाता है, दुखी आदमी गणी निभाओगा, जो सुख में नाम लेता है वो मटर गश्ती कर जाता है, और फिर ऐसी चोट खाता है, हम भी देखते रह जाते हैं, भगवान इसी की गलती बन गई, आपके बच्चे पर इसको ऐसी हानि होगी। लेकिन फिर हमारा जो परमात्मा का विधान हमें याद है कि इसने अवश्य कोई ऐसी भयंकर गलती करी है जिसको, और उस समय क्या हो गया, जैसे एक गलती करता है, नाम भी ले रखा, कोई हानि नहीं हो रही, अभी वो आया नहीं है टाइम, उसका शुभ चल रहा है। अब जैसे किसी ने नाम ले लिया, सुख होने लग गए, फिर गलती कर दी, और वो सुख होने लगे थे उस दुखी को, उसके भाग्य में नहीं थे, गॉड गिवन थे, और परमात्मा का नाम कट जाने से, खंड होने से, वो गॉड गिवन यानी वो पावर का सहयोग खत्म हो गया, और फिर उधर से उस बुरे संयोग का आना हो गया, नाम टूटे पाछा फिर वह खत्म, करड़ी चोट मार जाएगा काल। अगर नाम रहेगा तो वो नहीं कर सकेगा उस हानि को, जो नाम खंड होते ही कर देगा, और एक का नहीं कर रहा क्योंकि उसका अभी संयोग ठीक चल रहा है, और जब उसका समय आएगा जो उसको देख लेना। तो इस प्रकार हमने इस मर्यादा को घना बहुत ही ज्यादा महत्व देना है। जैसे सीता जी जंगल में थी, उधर से रावण का मामा मारीच एक स्वर्ण मृग बनकर, गोल्डन यानी सोने का हिरण बनकर, मृग बनकर, और सीता जी ने वहां एक बगीची सी ला रखी थी, फूल फाल की बाड़ी भरी थी, उसको तोड़ने लग गया। सीता जी ने देखा इतना सुंदर मृग, भगवान राम से कहा कि मुझे ये जिंदा या मरा मुझे चाहिए। अब श्री राम जी उसका नहीं चले मारन, इतना अंतर ध्यान होकर आगे बाज गया, काफी दूर जाकर दिखाई दिया, तो सीता जी ने जिद पकड़ ली कि मुझे ला कर दो, किसी प्रकार भी लाओ, मुझे मृग चाहिए। अब श्री राम ने कहा देखो लक्ष्मण, ध्यान रखना तू मत आना, है इसमें कोई जाल साजी, पर या जिद की पक्की है या मानने को ना, मैं जा रहा हूं, और तने आना भी पड़ जा किसी कारणवश, तो इस झोपड़ी के चारों तरफ ये मंत्र बोल के एक रेखा खेचाना, और इसको बोल देना कि इसे बाहर नहीं जावे। तो लक्ष्मण ने कहा कि मैं आऊंगा ही नहीं, आप निश्चिंत रहो, अकेली कैसे छोड़ दूंगा माँ को, यानी बड़ी भाभी माँ के तुल मानते थे लक्ष्मण जी। अब दूर जा चलेगा रामचंद्र जी, उसके पीछे तो छल था, उसके पास सिद्धि थी गुप्त होने की, प्रगट होने की, तो दूर उधर से वो अंतर ध्यान हो गया जंगल में, वो मारीच मृग अंतर ध्यान होकर वहां आकाशवाणी कर दी, हाय भाई मर गया, हाय भाई मर गया। अब सीता कहने लगी कि तेरे भाई पाप त्यागी, किसी जानवर ने मार दिया, तू भाग कर जा, उसकी जान बचा। लक्ष्मण बहुत नाट्या, नहीं मानी, आखिर में यहां तक कह दिया कि तू ये चाहता है कि वो मर जावे, तू मुझे पत्नी बनाना चाहता है। अब कहते हैं विनाश काले भी प्रताप बुद्धि। अब लक्ष्मण इस बात से बहुत गुना शर्मिंदा हो गया, विवश हो गया जाने के लिए, और कहा पर एक ध्यान एक बात याद रखना माता, अब तेरे इस ये मैं रेखा खींच कर जाता हूं, इसे बाहर मत जाना, इतनी दया जरूर कर दी हमारे पे। बोली ठीक से को नहीं जाऊं, वो चला गया लक्ष्मण दूर चले गए। इधर से उनकी चाल थी सुनियोजित, षड्यंत्र था,
रावण एक साथ दो रूप बनाकर भिक्षा मांगना आ गया। कहा माई भिक्षा दे, सीता बोली आजा महाराज ले जा कुटिया के गेट पर आ जा। अब रावण आगे को चला तो उसमें से लपट निकली एकदम रेखा से, एकदम 10 कदम दूर जाकर खड़ा हुआ, घबरा गया और कहा कि तू मुझे मारना चाहती थी, तूने भिक्षा देनी है तो यहां आकर दे जा, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा। साधु संतों के साथ मजाक नहीं किया करते। अब सीता ने सोची के बिजली पड़े है, साधु महात्मा है, 2 कदम भर के रेखा तो पार दे आऊंगी। अब उसने तो जरा सी लागी के बिजली गिरा है, वह बिजली गिरी जब समझ में आई, उठा के आटा जो भी घर पर सामग्री खाने की थी वो लेके रेखा से बाहर चलेगी। 1 कदम बाहर जाते पकड़ दी बा रावण ने और घेर ली कंधे पे, फिर डिडावर डांगर की डाल। अब के जुलम हो गया, फिर देखना कितना हानि हुई, कितने आदमी मर गए, कितनी जनता मरी सीता को छुटवाने में, और कितनी कष्ट पाई वहां पर रावण के बाग में, कितनी सताई गई वो। पुण्यात्माओं आज आपको ये ज्ञान दिया जा रहा है कि यदि आप जी मर्यादा तोड़ दोगे, यो रावण रूपी काल आपने ऐसे उठा लीजिएगा। और पुण्यात्माओं फिर बहुत भारी भयंकर कष्ट आपके ऊपर आ जाएगा। तो अब आप सुखी हो, और सीता सुखी थी, उसने लागी जरा सी बात, वो पागल नहीं थे जो दो दोनों कह के गई रेखा दबार मत जाना, वह गणेश श्याणी थी। तो हम गणेश श्याणे बन जावा, हाँ गुरु जी की बात ना मान के हम इसे कहर में चल रहे हैं, ना जाने कब किस पर के बिजली गिर जा, हमें डर नहीं रहा क्योंकि हम इस माया के नशे में गणे मद होश हो गए। तो कबीर परमात्मा कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। पुण्यात्माओं सौभाग्य आपका ये सत्संग आपको सुनने को मिल रहा है, और धन्यवाद करो उस परम पिता परमेश्वर कबीर जी का जिसकी आड़ में हम ये सत्संग सुना रहे हैं आपको। आप देख रहे हो जिस भी चैनल पर हम प्रार्थना करके इसको चलवाना चाहते हैं, ये काल के दूत तुरंत बंद करवा देते हैं और उन्हीं की पुस्तक दिखाते हैं, उन्हीं का दिया हुआ वो अज्ञान जो उन्होंने पुस्तक पर बना रखी है, जनता पढ़ रही है, हम उसी को पढ़ाते हैं कि ये ज्ञान ये दे रहे हैं, इनका ज्ञान गलत है, और हमारे वेद शास्त्र सदग्रंथ ये बता रहे हैं ये सही है, इसको त्यागो, इसको ग्रहण करो। और पीछे के सांग करवा दिया काल ने, ये प्रेरणा करके क्रोथा कांड करवा दिया इन दुष्टों द्वारा, पाप के भागी हुआ बन गए। ये तो परमात्मा हमारे साथ है इसलिए ये मार्ग चल रहा, ना काल इसने कदम नहीं चालन दे, वो पल पल पे साथ है, उसका वचन है परमात्मा का कि इस कलयुग में पूरे विश्व में ये ज्ञान होगा, मेरी आत्मा पुण्यात्मा उनको मैं पार करूंगा जो हमारे से जुड़ जाएंगी, जो नहीं जुड़ेंगी वो काल के कोल्लू में पड़ी रहेंगी, उनका दुर्भाग्य होगा। तो परमात्मा ये कहते हैं, जब लग हंसा हमरी आना, आन माने मर्यादा, और तब लग लगे निकाल तेरा वर्ण। जब तक आप मालिक की वो लक्ष्मण रेखा समझ लो इन नियमों को, और आप जरा सी बात करते हो, ये दास रोज सुनता है यहां भक्तों से, कहते हैं जी मैंने ऐसे कर दिया, मैंने एक को आशीर्वाद दे दिया, मैं दुखी हो गया, मेरे ये तकलीफ होगी, वो तकलीफ फिर शुरू होगी। अरे तुम आशीर्वाद देने जोगे हो नहीं, तुम क्यों अपनी दुरुक्ति करवाओ हो, आप 4 पंप टायर में हवा के भरो हो हैं, और फिर उल्टा दूसरे में डालने की चेष्टा करते हो, अपने टायर ट्यूब में थे दूसरे में हवा भरते, तुमने ना तुम्हारी गाड़ी चले ना उनकी चले। यदि कोई दुखी है, आपका मित्र है, रिश्तेदार है, परिजन है, उसको भी राम नाम का पंप दिला दो, ये यानी हवा भरण का अपना, उससे भरवावे, यहां आवे
हम उसको एक ऐसी विधि पर बताएंगे जिससे वो भी सुखी होगा। इस राम नाम के पंप तो अपनी हवा भरे, दोनों की गाड़ी दोनों का साइकिल चल रहा है। हम अपने साइकिल से अपनी गाड़ी से कार से यदि दूसरे की टायर में हवा भर देंगे तो दोनों कंडम, तो पुण्यात्माओं आपके पास पुण्य नहीं रहे। और आप एक दूसरे के सिर पर हाथ रखते हो, आपका आशीर्वाद दे रहे हो, तो आपके पुण्य उसमें प्रवेश हो रहे हैं। जब तुम्हारे समझ में आ गई है इसी नाला की करियो ना। पहले क्या होता था कि सत्युग त्रेता द्वापर में और कलियुग के प्रारंभ में, अभी तक ये मर्यादा चली आ रही है कि बड़ा जो व्यक्ति जो बड़ा बेटा होता है उसी का साफा बन जाता, पाग पाग बोले उसने। और कई ऐसे देखे जो पिताजी जादू तंत्र करता था, कोई झाड़ा ढूंढा लाया करता, वो अपने बेटे को आशीर्वाद दे गया मृत्याणा, फिर वो लाण लग गया। यानी वो पिछले जन्म का पुनकर्मी प्राणी था, उसके थोड़े बहुत जंतर मंत्र तो किसी ने लाभ हो गया, फिर वो बेटे ते ही दे गया, वह सारी झाड़ी का चला गया, अब गदा बन गया। और वो बेटा फिर नहीं खी अपनी, कुछ पिता की दी उसने सारी बर्बाद करके आप पशु बन जाएगा। तो पहले तो उनके पास थोड़ी बहुत पुण्य थे जन्म जन्मांतर के, इस कलियुग में कोई भक्ति शास्त्र अनुकूल नहीं कर रहा, तो वो आशीर्वाद दिया करते थे अपने बेटिया ने बेटिया ने पुत्र वधु ने अपने नातियों को रिश्तेदारों को, बड़े वाले बुजुर्ग आशीर्वाद देते थे। तो उनके पास पुण्य थे पूर्व जन्म के, वो ऐसे बांट दिया करते थे। और जैसे ये बहु पुत्र वधु आती है सास की या दादी माँ सास माँ की, यानी दादी सास की पैर दबाया करती, पैर दबाया करती नू बैठ कर, हरवा नू कहा करती बेटी बूढ़ सुहागण हो है तेरे बेटे हो तू सुखी रहे। अब वो पहले थोड़ी बहुत उसके पास पुन कमाई होती जिसकी, उसका थोड़ा बहुत फल लग जाता, उसको फर्क लग जाता। अब तो दोनों खाली खोखे हुआ, पुत्र वधु भी हुआ दादस भी हुआ सासू भी, दे जापो दे आशीर्वाद को छोड़ना जाना को नहीं, और को थोड़ी बहुत पढ़िया हो कि तकर का कमाई का वो वहां चला जाएगा। तो इस तरह हमने अपनी भक्ति बर्बाद की। अब ये भी एक मर्यादा है, इसको नहीं अपन लेना, ना दूसरे से आशीर्वाद लेना चाहिए हमें, क्योंकि भगत तो देखो ना, बिना भगत देंगे उनमें वो पानी को ना जिसकी हमने जरूरत है उसमें तो निर और के में भरा पाओगा, और वो आपके शुद्ध जल में कोई डाल दे खारा पानी कौन डलवाओगा आपका मीठा पानी बर्तन में। और कोई नो कहे मेरे द्वारा यो खारा पानी है और उस मेरे पास ये जल है और वो खारा है, आपको तो पता है जो भक्ति नहीं करते उनके पास भक्ति है ही नहीं, वो क्या देंगे अपने पाप डालेंगे आप में। तो खारे पानी ना हम अपने शुद्ध पात्र में उस मीठे जल में कति नहीं डालने जाएंगे, समझता वो गीत है, वो बाल काला काम होते है कोई गद मद करें जाओ। तो ऐसे इन मर्यादाओं को घड़ा निभाना पड़ेगा आपने, ना आशीर्वाद देना है और ना ही किसी से लेना है और न ही किसी के चरण छूने हैं। अब यहां क्योंकि जगत का और भगत का आपस में विरोध क्यों होता है, क्योंकि जगत जो काम कर रहा है वो भक्ति के विपरीत होते हैं, इसलिए दोनों का विवाद स्वाभाविक होता है, उनमें विरोध अवश्य होता है, होने दे, लेकिन हमने अपने हिसाब से चलना। इब कहे नो कहे बता भाई वो तनु कह है रामपाल तनु कह इनका गुरु जी के बुढ़े बुजुर्ग आगे चरण ना छुइयो, बता या कोई बात हुई है, आदर सत्कार तो कर रहे करे, आदर सत्कार करो नमस्कार करो। और बुढ़े ने मीठा बोले, बुढ़िया ने प्यार तो बात करे, खूब सेवा करे। और यदि कोई बीमार हो जाता है, किसी के पैरों में हाथ में कमर में सिर में दर्द है, चाहे छोटे को चाहे बड़े के, खूब पैर भी दबाओ उसके, एक पूजा के लिए नहीं एक सेवा के लिए एक कर्तव्य समझ के कि दुखी दर्द बीमार शुमार की और सेवा करना हमारा कर्तव्य है, तो उसकी खूब सेवा करे, सिर दाबना सिर की मालिश करे, हाथ दाबने हाथ भी दाबे, पैर भी दबावे, खूब दर्द होता है वो सोकिया नहीं करवावे और ना करे।
तो पुण्यात्माओं, फिर हम समाज से थोड़े से हिचक जाते हैं, समाज से नहीं हिचकना चाहिए। मीराबाई का इतिहास आपके सामने है। मीराबाई पहले मंदिर में जाती थी, ठाकुरों की लड़की थी और ठाकुर परिवार में अपनी अपनी जो है बेटी और पत्नियों को, औरतों को कोई भी घर से बाहर नहीं निकलने देता, अपनी शान माना करते। बाहर जा कोई किसी जगह यानी बिल्कुल वह जल खेतों यानी कुएं से जल भी खुद भर के लाया करते, अपनी बेटियों और पत्नियों को औरतों को घर में रखा करते, बाहर कोई जाता बेइज्जती मान्या करती। उस समय मीराबाई मंदिर में जान लागी, जब उनको ज्ञान हुआ भक्ति का, सत्संग सुना किसी तरह। अब मंदिर में जावे तो बहुत एतराज होने लग गया, सब कहने लगे ले बताया तो बेइज्जती करावेगी, हैं ठाकुरों की लड़की मंदिर में जावे इसने शर्म नहीं आती, वह नहीं मानी। घर क्या ने सोचा इसका ब्याह कर दिया, टंटा कट्टे शादी कर दी। शादी भी एक राजघराने में होगी, उसका पति जो एक छोटे से टुकड़े का राजा था। 4 साल शादी के बाद वो आदमी बहुत बढ़िया था, उसका पति नरमात्मा का था। राजा का के बोल रहे कौन है, तो वो फिर मंदिर में फिर भी जाती थी। उसने भी कह दिया कोई ना, एक दो नौकरानी साथ चली जाएगी, इसमें कोई डर नहीं। तो राजा के आदेश का के फिर कोई बकवाद भी ना करा कर, समाज भी गणेशी रोड़ा ना करा करता। वो मंदिर में जाया करती थी, उसने लोक लाज नहीं देखी, समाज की नहीं सुनी, तो मीराबाई सफल हुई। आज सबकी जुबान पर उस बहन बेटी का एक आदर से नाम लिया जाता है। और फिर क्या हुआ कि एक दिन सत्संग, कबीर परमेश्वर जी और रविदास जी उसी नगरी में सत्संग कर रहे थे जिस मंदिर में मीराबाई जाया करती थी। उसी मंदिर के रास्ते में एक स्थान, एक गरीब एक व्यक्ति का घर था, उसके आंगन में एक छोटा से, पहले वृक्ष बहुत हुआ करते पेड़ प्याड़, उनके पेड़ों के नीचे कबीर परमात्मा सत्संग कर रहे थे, रविदास जी उनके साथ थे। तो वहां मीराबाई ने देखा जाते समय कि यहाँ कुछ व्यक्ति साधु भक्त बैठे हैं, तो उन्होंने सोचा पहले मंदिर में अपनी अर्चना कराती हूँ, पूजा करके आती हूँ, आके बात आके सत्संग इनके विचार सुनेंगे। कहते हैं भक्त को संत दिख गया, ऐसा राम दिख गया। साधु कबीर साहब भी कहते हैं साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, और दर्शनी को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।